सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वो दिन आ गया जब मैं कनाडा को जा रहा हूँ। फिर वैसे तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ आज, कनाडा को मैं कल जाऊँगा, पर घर से आ जाएंगे तो अभी सुबह के 7 नहीं बजे, मतलब 6:30 हुए हैं और हम अभी परले घर जाएंगे। और सामने से पहाड़ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, तो चलते हैं परले घर। और बिल्कुल अंधेरा है, सभी जा रहे हैं, चलते हैं अभी। गाइस, बैग भी जमा हो गए हैं और बोर्डिंग पास भी मिल गया है और इमिग्रेशन भी डन हो गई है, तो अपने पास आधा टाइम है ड्यूटी फ्री घूमने के लिए। तो फिर मैं जस्ट अभी चेकिंग के बाद अंदर आया हूँ, तो लेट्स गो टू ड्यूटी फ्री। तो गेट नंबर 126 यहाँ, और अपना गेट नंबर है, अपना गेट नंबर 17 है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो जाना तो यहीं से है। गाइस, किसी को चाहिए तो बता दो, लेते हुए आऊँगा।
गाइस डायर गुची शनेल कैलविन क्लीन बर्बरी हर ब्रांड है यहाँ पे परफ्यूम्स की और यहाँ पे ये वाली ब्रांड्स भी हैं जिनके बारे में अपने को तो कुछ नहीं पता तो हमारे लाइक यहाँ पे कुछ मिलेगा भी नहीं। आई थिंक मैं यूनिवर्सल अडेप्टर लूँगा और कुछ खाऊँगा आगे चल के। तो चलते हैं थोड़ी आगे फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। गाइस बड़े ही सुंदर सुंदर यहाँ पे शोरूम्स हैं और बड़ी ही सुंदर क्रिएटिविटी जो है वो करी गई है इस एयरपोर्ट पे और मस्त है। और अपनी फ्लाइट है फ्लाइट कहाँ पे है ET 689 आदिस अबाबा गेट नंबर 21 गेट चेंज्ड। तो अपने को अब 21 नंबर गेट पे जाना पड़ेगा। पहले 17 था तो अब चेंज हो गया है वहाँ पे लिखा हुआ है। गाइस गेट नंबर तो अपना इस तरफ है पर पहले भूख लगी है चाय पी लेते हैं पर आगे मिल जाएगी आई थिंक। तो आगे ही चलते हैं अपने गेट के पास में चलते हैं अभी काफ़ी दूर होगा। तो गाइस इस पे चलने का अवसर भी प्राप्त हुआ और बाहर जो है वो प्लेन्स खड़े हैं एंड मुझे वॉशरूम जाना है बट मैं अपने गेट के पास में जाऊंगा और अब अपना गेट 21 पास में ही है मतलब मैं 19 पे तो पहुंच गया 19 इस तरफ है 20 इस तरफ है 21 अगला है और अपना 21 ही है। उनकी फ्लाइट आने वाली है। ये रहा गाइस अपना प्लेन इसमें जाएंगे हम। Thank you.
वायरलेस मैंने फ़ोन चार्जिंग में लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये कोई सी ड्रिंक मिली है, तो सॉफ्ट ड्रिंक है ये, आई थिंक एप्पल जूस है, और साथ में कुछ ये मिले हैं, पता नहीं ये क्या है, खोल के देखते हैं। एंड बस चल रहा है यहाँ पे, सारा बढ़िया चल रहा है, देखते हैं आगे आगे। जो है ये एप्पल जूस है जो कि मैंने सेकंड टाइम लिया, पहले शायद पाइनएप्पल था, ये एप्पल जूस है, और ब्रेड, दो बिस्किट, ये अमूल का, ये क्या है, ये चीज़ है, ये बटर सैलेड, और ये आइसक्रीम है, जूस है, और इसमें ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। लेट मी जस्ट ओपन इट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये रहा पास्ता जो कि काफ़ी टेस्टी है, मैंने टेस्ट करा, और ये पता नहीं क्या है ये चीज़, इसको टेस्ट करेंगे बाद में, फिर मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा सैलेड भी है तो मैं खा लेता हूँ, भूख भी लगी है, तो खा के बात करते हैं। गाइस खाना ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, और कॉफ़ी भी आ गई है, ये काली सी लग रही है, बट इसमें ये क्रीमर डालूँगा, तो ये अपनी स्टाइल में हो जाएगी, पता नहीं कैसी होती है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। और ये साथ में शुगर, तो पीते हैं इसको खाना खाने के बाद। तो ये रहा गाइस इथोपिया, यहाँ पे है अपनी स्टे, तो इन्होंने कहा पार्किंग में चले जाओ, पार्किंग में जा रहे हैं। तो गाइस अब इथोपिया छोड़ के जा रहे हैं हम। इथोपिया का एयरपोर्ट इतना सा है ना कि जैसे आई थिंक दिल्ली का रेलवे स्टेशन बड़ा होगा, तो ये ईस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो बस अभी यहाँ पे हैं, यहाँ पे दुकानें भी कुछ नहीं हैं, अभी भूख लगी थी, यहाँ पे इतना गंदा खाना खाते हैं लोग, बहुत बेकार खाना खाते हैं, मतलब बहुत ही बेकार, नमक नहीं खाते, दूध नहीं पीते, और सिर्फ घास खाते हैं, घास के अलावा मतलब मीट ही खाते हैं ये, बस और कुछ नहीं। तो चलते हैं, यहाँ पे बस सिर्फ़ और सिर्फ वो दुकानें हैं लिक्वर की, और थोड़ी सी हैं वो शॉप करने के लिए, कुछ भी ख़रीदने के लिए, बट कुछ लेने लायक नहीं होता यहाँ पे। चलते हैं अब, बोर्डिंग करते हैं।
दिस इज अमेजिंग गाइज, अमेजिंग अराइवल्स दिस साइड। बाहर तो शायद बारिश पड़ रही है एंड एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग जो है वो अपने मतलब इंडियंस ही हैं जॉब करने वाले। लेट्स गो। पहले तो वाईफाई चाहिए क्योंकि फ़्लाइट एक घंटा लेट है और बाहर भाई वेट कर रहे होंगे और घर पे भी वो सोच रहे होंगे अभी तक फ़ोन ही नहीं आया। तो वो रहा अपना प्लेन, लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ अपने बैग, दो बैग तो ये मिल गए रेड वाले और एक ढूंढ रहा हूँ। ये रहा गाइस कनाडा। और सच में गाइस इतनी ठंड है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे ये शेरिडन कॉलेज की तरफ से ये मिला है गिफ्ट और एक कार्ड भी था जिसमें मैं और क्लेम कर सकता हूँ, उसमें पता नहीं क्या है, देखते हैं बाद में। तो अपना पिलर नंबर है C4, यहाँ पे बुला लेता हूँ मैं जो मेरे को लेने आ रहे हैं उन्हें। तो हाँ कर लेता हूँ कॉल। और गाइस इतनी मस्त मस्त गाड़ियाँ हैं ना यहाँ, क्या ही बताऊँ। तो गाइस कनाडा पहुंच के सबसे पहले टिम के दर्शन करने तो बनते हैं, तो लेते हैं टिम और फिर चलते हैं कहीं।